खबर मकराना से, देश की आजादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भारी पड़ रहा है। राजस्थान में उनके खिलाफ कई शहरों में पुलिस से शिकायत की गई है। अपने आगार जिले के मकराना थाने में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज परिवाद दर्ज करवाया गया है। फिलहाल मकराना पुलिस उनके खिलाफ मिले इस परिवाद की जाँच कर रही है। नागौर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता सोलंकी ने कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। इसमें आजादी के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों की प्रतिष्ठा कर अपमान करने, संविधान के प्रति आस्था रखने वालों को आहत करने का आरोप लगाया गया है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रानी सोलंकी ने शिकायत में बताया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उस आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। वो क्षण प्रत्येक आजाद भारतीय के लिए गौरवान्वित क्षण था। पूरी दुनिया ने भारत की आजादी देखी और शहीदों को आज भी सम्मान की नजर से देखता है। उन्होंने कहा, 10 नवंबर को फिल्म अभिनेत्री और पद्मश्री कंगना ने सार्वजनिक मंच पर यह बयान दिया कि 1947 में भारत को जो आजादी मिली वह आजादी नहीं एक भीख थी, असल आजादी साल 2014 में मिली है। अभिनेत्री के इस बयान से संविधान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को चोट पहुंची है। इस बयान से शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी समेत तमाम शहीदों और क्रांतिकारियों का अपमान किया गया है। कंगना के इस बयान पर देश भर में हो रहा है विवाद। कंगना के इस बयान को लेकर देश भर में विवाद हो गया। कंगना कांग्रेस, एनसीपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत आमजन के निशाने पर आ गई है। सोशल मीडिया पर कंगना के इन बयानों पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है। इससे पहले कंगना महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई पर दिए बयान को लेकर विवादों में आई थी। तब कंगना ने मुंबई में रहने पर POK में रहने जैसा एहसास होने की बात कही थी। भारत के संविधान और भारत के जो शहीद है, शहादत है, उन लोगों पर विश्वास रखती हूँ। इसलिए फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत ने जिस तरह से कथ्य वचन से शहीदों के अपमान किया है, उसका मैं पुरजोर से विरोध करती हूँ। हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसी आज़ादी को कंगना रनौत बताती है कि असली देश तो आज़ाद हमारा 2014 में आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 में तो एक आज़ादी हमें भीख में मिली थी। उन्होंने सार्वजनिक इस कथ्य वचन का जो विस्तार किया, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई शहीदों ने अपने प्राणों का न्योछावर किया, जब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ, उन लोगों में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने अपने प्राणों की न्योछावर किया जब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली। और हमारे संविधान के उल्लंघन करने वाले जो भी ये लोग हैं, उनका हम कड़ी जोर से विरोध करते हैं। इन शहादतों की शहादत का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया था, और आज उनके जो वंशज है उनको भी, उनके जो दिल को आघात पहुँचे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक भारत के लिए बात है। हमारा देश किस तरह से अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, लंबे समय से एक ये लड़ाई चली थी, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है। और हम इसी का विरोध करते हुए जो भी ये TV चैनल जो है, इसको विस्तार करके बता रहे हैं, और अभिनेत्री कंगना है, उनके खिलाफ़ हम IIT के तहत इनकी कड़ी निंदा करते हैं, और उनका विरोध एक परिवाद ज्ञापन भी दिए हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, यही हमारा निवेदन है। हम तनिक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे भारत के संविधान से कोई छेड़छाड़ करे, और इनके जो हमारे इतिहास है भारत का, उनके जो शहादत जो लोग हैं अपने प्राणों को नौछावर किया था, उनके साथ कोई छेड़छाड़ करे, कोई उल्लंघन करे, हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।